हेलो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा से एक बड़ी अपडेट आ रही है। खाद्य सुरक्षा में अब जो भी वंचित लोग हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, और जो यहाँ पे पहले से ही रजिस्टर्ड है उनके नए नाम जोड़ने हैं अंदर, वो भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे। जो सुमित गोदारा जी है, फूड एंड सिविल सप्लाईजर डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है अपडेट दे दी है। इंडिया फर्स्ट की आप न्यूज देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़े जाएंगे। एनएफएसए के पोर्टल 8 लाख नए लोगों को। नए लोगों को जोड़ा जाएगा। 4.50 लाख जो दिव्यांग है, डिसेबल है, उनको जोड़ा जाएगा। जो एनएफएस पोर्टल है, एनएफएसए पोर्टल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी है ये जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये स्पेशल नोटिफिकेशन है। वो आइए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आइए। अब आप नया नाम भी जोड़ सकते हैं, आने वाले समय के अंदर नया नाम भी जोड़ सकते हैं। पिछली बार भी सेम ऐसा ही हुआ था, नए नाम भी जोड़े जा रहे थे लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। और इस बार आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर नए नाम भी जोड़े जाएंगे। और यहाँ पे जो नए नाम, मतलब जो पहले से ही खाद्य सुरक्षा के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको भी यहाँ पे फिर से जो है उनके जो बसे हुए सदस्य है उनका नाम जोड़ा जाएगा। आप सभी को पता है कि नए राशन कार्ड के अंदर हम कोई भी सदस्य नहीं जोड़ सकते जो एनएफएसए के अंदर ऑलरेडी है, उनका हम नाम जो है खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे जो है ये भी पोर्टल उसी दिन खोला जाएगा जिस दिन यहाँ पे नए जो एनएफएसए होंगे, जो भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले होंगे, उस समय उनको भी यहाँ पे एक फॉर्म तैयार करना पड़ेगा जो कि पटवारी और ग्राम सेवक से वेरीफाई करवा के यहाँ पे ई मित्रा पर जाके आपको अपलोड करवाना। दोस्तों जैसे यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हो जाएगा, अब जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।